नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। कपिल देव को वर्ल्ड कप का न्योता न मिलने पर जयराम रमेश भड़क गए हैं और उन्होंने कहा कि ये गलत है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव को भारत ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप मैच में न्योता नहीं मिलने पर जयराम रमेश ने कड़ी नाराजगी जताई है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद में खेले गए वर्ल्ड कप फाइनल मैच में भारत को शिकस्त मिली है। इसके तुरंत बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया को जाहिर किया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यानी कि ट्विटर पर पोस्ट करते हुए भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव को न्योता नहीं मिलने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने क्या कहा ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से अस्वीकार्य और बहुत ही तुच्छ है कि कपिल देव को अहमदाबाद में विश्व कप फाइनल के लिए क्रिकेट प्रतिष्ठान की तरफ से आमंत्रित नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि बेदी की तरह कपिल देव भी अपनी बात कहने के लिए जाने जाते हैं और वो कुछ महीने पहले आंदोलनकारी महिला पहलवानों के समर्थन में भी खुलकर आए थे। गृहमंत्री शाह ने भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन की बता देते हैं कि प्रशंसा की है। दरअसल उधर विश्व कप 2023 के फाइनल के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारी टीम ने पूरे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया और यादगार प्रदर्शन किया। सच्ची खेल भावना में जीत और असफलता दोनों से मजबूत होकर उभरना शामिल है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि आप और भी मजबूत होकर उभरेंगे। तो वहीं उस दौरान कांग्रेस नेता राहुल ने भी टीम इंडिया की हार पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कहा कि आपने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया, जीते या हारे हम आपसे प्यार करते हैं और हम अगला विश्व कप जरूर जीतेंगे। विश्व कप में शानदार जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया को बधाई भी दी गई। ऑस्ट्रेलिया ने करोड़ों फैंस के सपने को चकनाचूर कर दिया, ये भी एक सच है। दरअसल इस बीच देखा जाए तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम को 6 विकेट से हराकर करोड़ों भारतीय फैंस के सपने का दिल तोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया की इस जीत में बाएं हाथ के ओपनर ट्रेविस हेड ने 137 रनों की शानदार पारी खेलकर अहम योगदान दिया। इसके अलावा लाबुशेन ने 58 रन बनाए। खिताबी मुकाबले की ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत से ही भारत के ऊपर दबदबा बनाकर रखा। बात की जाए अगर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तो उन्होंने भी बधाई दी। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि कभी मंजिल रह जाती है दूर बस एक कदम पर, शिखर तक पहुंचना भी कहां कम होता है। ऑस्ट्रेलिया को क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने की और अपने देश की टीम को लगातार अच्छे प्रदर्शन से यहां तक पहुंचने की बधाई उन्होंने दी। कहा कि सबसे बड़ी जीत खेल भावना की होती है। फिलहाल जयराम रमेश का ये कहना कि कपिल देव को इनविटेशन वर्ल्ड कप का दिया जाना चाहिए था जो कि नहीं दिया गया और ये बेहद गलत है चर्चाओं में।